to meet the press fraternity of our state. To my right is my Secretary General of Arunachal Christian Forum, Mr. Tar Miri, and left is Mr. Tawa Tadav, who is the Vice President of Arunachal Christian Forum. Today, we have come here to brief you about the one of the issues that we have been speaking, and it has been in the news media and in all society, that is regarding the Tuang charge issue. Regarding the Tuang charge issue, there are three churches in Tuang. One is a Baptist church established in 1997. Another is a Revival church established in 1999. And one more church is there called Himalayan church. Since 2015, the district administration, because of the complaint from some youth association, Tuang Youth Association, the construction of these churches, which has become very old, they wanted to build a new permanent structure nearby the old church. It has been closed, but church services are going on in the old building. Now, because of that, the district administration has time and again, and they have seized so many church building materials like cement and sand and gitti and the road, tools and implement like spade, belcha, and so many things. For that, Arunachal Christian Forum has met repeatedly. Previous Chief Minister Nabam Tuki also, and this present Chief Minister Pema Handu. We met Pema Handu more than I think 4 or 5 times. And since there is no solution, that is the reason. Hindi mein bolunga publica ye ke liye understanding ke liye. Usi o reason tha ki hum log November 2 tarikh ko ye IG Park andar mein ek dharna karna par gaya tha. तो धारणा किया तो अफ्तर धारणा का बाद में ये बारह नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एक कमिटी गठन कर दिया. वो कमिटी में ऑनरेबल मिनिस्टर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड स्पोर्ट्स श्री मामा नातुंग जी को चेयरमैन बनाया, और लिरोमोबा का जो ऑनरेबल एमएलए न्यामर कारवाक मेंबर है, और तालिहा का ऑनरेबल एमएलए न्यातो दुकम प्रीवियसली रह गया था, अभी न्यातो दुकम है, उस तीन मेंबर का एक कमिटी गठित कर दिया है. तो हम लोग ने यहाँ में धारणा का दौरान हम लोग बोला था कि ये इशू रिजॉल्व नहीं होने से पारदार हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टेट वाइड करेगा बोल के. तो उसी चीज़ को क्लेरिफाई के लिए ये आज आप मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग से मिलने का ये मौका मिला है. सिंस कमिटी बना दिया तो हम लोग क्या करेगा, रिजोल्व तो नहीं हुआ है, मगर इट इज़ वन स्टेप टू रिजोल्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. तो इसको हम लोग ने मीटिंग किया है 16 नवंबर को, हमारा क्रिश्चियन फोरम का एक बड़ा मीटिंग किया है, और हम लोग ने डिसाइड किया है कि मीटिंग में कमिटी जब बना दिया तो द आवर क्रिश्चियन कम्युनिटी वी वेलकम दिस फॉर्मेशन ऑफ कमिटी. ये कमिटी जो बना दिया है हम लोग वेलकम करता है, और टिल कमिटी का रिपोर्ट आने तक हम लोग कोई भी धारणा या प्रोसेशन या प्रोटेस्ट नहीं करेगा. पीसफुली हम लोग इसको रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग वेट करेगा. मगर उसमें एक बात यह है कि वी बिलीव इन द इंटीग्रिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स एंड द चेयरमैन, दे आर इम्पार्शलिटी. हम लोग बिलीव करता है कि वो लोग इम्पार्शली वो लोग तुआंग विजिट करेगा तो चार्ज को भी देखेगा, और वो लोग सबको स्टडी करेगा, ऑल एस्पेक्ट करेगा. हम लोग बिलीव करता है कि वो लोग ऑनेस्टली काम को करेगा, मगर इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरीली या बायस लगने से हम लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द रिपोर्ट आने का बाद हम लोग तब डिस्कस करेगा. टिल देन हम लोग कमिटी को हम लोग रेस्पेक्ट करता है,
और कमिटी का ये जो भी ये आएगा, हम लोग वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द कमिटी 100%। हम लोग पूरा कोऑपरेट करेगा कमिटी जो भी, और लोग एक्टिविटी जो भी स्टेप लेगा। ये है त्वांग का। और दूसरा ब्रीफिंग ये है कि रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो 22 दिसंबर को, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और ए क्रिश्चियन कम्युनिटी और ए चर्चेस इज नॉट अगेंस्ट एनी इलेक्शन। इट मे बी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लेजिस्लेटिव इलेक्शन और पंचायती राज इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिसमस, द फेस्टिव क्रिश्चियन होली मंथ दिसंबर, क्रिसमस मीन्स जो नहीं जानता है वो लोग सोचता है कि दिसंबर 25 इज क्रिसमस एंड ओवर। नो, क्रिसमस सीजन स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर मंथ फर्स्ट वीक, लाइक दिस केरल, यू ऑल सी केरल, ये घर घर में, गांव में, शहर में ये यीशु मसीह का जन्म का गाना गा करके सुसमाचार, मैसेज ऑफ होप एंड लव जो लोगों में पहुंचा के, ये केरोलिंग प्रोग्राम दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू होता है। तो ये दिसंबर 22 में इलेक्शन होने से हम लोगों का फेस्टिव सीजन में तो इफेक्ट तो पक्का पड़ता है। मगर हम लोग ने इंक्वायरी किया कि ये इलेक्शन डिक्लेरेशन किसने किया। ये इलेक्शन को हम लोग को पता चला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोग ने ये इलेक्शन को डेट को दिया है, बोला है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता है कि अगर सकता है आप इतना साल इलेक्शन को रुक करके, अभी एक इलेक्शन का डेट भी दिया है तो ड्यूरिंग क्रिसमस, आप देखिए 22 में वोटिंग होगा, ये वोटिंग होगा, वोटिंग का दौरान वायलेंस बाई चांस होता है या झगड़ा होता है, वो आफ्टर इफेक्ट तो 23-24 तक रख जाएगा। और 26 में काउंटिंग होता है तो 25 में तो क्रिसमस का ये कम्युनिटी पीस खाएगा। तो आफ्टर कम्युनिटी पीस खाने का दिन में गांव में ये पार्टी है, वो पार्टी है, दुनिया भर का एक गांव में डिवीजन आने लगता है। तो ऐसा हो करके एक साथ मिलजुल के, मिल बात के क्रिसमस को करे ना ना करे। और 26 में काउंटिंग है तो सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए काउंटिंग के लिए काउंटिंग एजेंट रेडी करेगा, अपना अपना रेडी करेगा। ये सर्टेनली विद ड्यू माने रेस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भी अथॉरिटी है, ये हम लोग का क्रिसमस सीजन को थोड़ा इफेक्ट हुआ है और हम लोग थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। हम लोग यही रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप लोग अगर सकता है, कोई लीगल बोतल नेक नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है होने से, इसको डिपार करने से बहुत अच्छा है। अगर डिपार नहीं कर सकता है, अगर कुछ एक बाइंडिंग हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, ऐसा होने से फ्यूचर में आप काइंडली ध्यान दीजिए कि कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम का कोइंसाइड नहीं हो इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन भी होना जरूरी है, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होना जरूरी है, मगर ऐसा समय में देख के मत करिए। ये है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ में आप लोग ने कुछ दिन में मास मीडिया में कहाँ कहाँ में आप लोग सबसे एक कदम समाज से आगे मीडिया लोग रखता है, आप लोग ने देखा है कि सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट से, बहुत डिस्ट्रिक्ट से हमारा इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट कमिटी लोग ने, और मध्य प्रदेश बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जनजाति सुरक्षा मंच, लोगों ने हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख रहा है, कॉपी फॉरवर्डेड बाय दी डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न रेस्पेक्टिव डीसी। वो लोगों ने बोला है कि जो भी हमारा यहाँ का निसी आदि अपातनी गालो वांचू नोक्ते तांगसा मिसमी या ये आका मिजी जो भी ट्राइब है, तागिन जो क्रिश्चियन धर्म को ले लिया है, वो लोगों को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट या फैसिलिटी से वंचित करना है। हम सोचता है हमारे यहाँ में ये शायद
अरुणाचल के लिए बोल करके इंडियन पार्लियामेंट में या लोकसभा में राज्यसभा में सिर्फ अरुणाचल क्रिश्चियन के लिए बोल के कभी कानून नहीं बना सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। और हम लोगों का बीच में आप लोग खुद देख रहा है, जैसा हमारा यहाँ ट्राइबल में पेरेंट क्रिश्चियन होने से उसका ही बेटा या बेटी कोई लोग दोनी पोलो रखता है, कोई लोग रिलीजन में भी नहीं है, कोई भी रिलीजन से भी कनेक्शन नहीं है, एकदम तुतेली माने एथिस्ट टाइप का भी चलता है। और कोई लोग आजकल देख रहा है हिंदू में भी जा रहा है सनातन धर्म बोल के। तो ऐसा हालत में एक फैमिली में पेरेंट शेड्यूल ट्राइब है, बेटा जनरल कास्ट हो गया और एक उसका एक बहन था वो रिलीजन नहीं लिया तो वो शेड्यूल ट्राइब हो गया, ये कोई पॉसिबल है क्या? मेरा हिसाब से ये तुतेली पॉसिबल ही नहीं है। वी आर बाय बर्थ, वी आर सपोज आई एम ए निसी, नो पावर ऑन अर्थ कैन चेंज मी फ्रॉम बिकमिंग ए निसी। निसी शेड्यूल ट्राइब और निसी जनरल कास्ट, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए वंस अगेन क्रिश्चियन पब्लिक, स्टेट का क्रिश्चियन पब्लिक, इवन इंक्लूडिंग नॉन क्रिश्चियन पब्लिक को भी बोलता है, ये जो अटेम्प्ट है ये फ्यूटाइल है, ये अननेसेसरी है, अनवॉरंटेड है, कोई जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ एक ही चीज बढ़ेगा कि डिविजन हेट्रेड फैलेगा। वन एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागालैंड इज पुली क्रिश्चियन बट शेड्यूल ट्राइब एंटायर स्टेट, मिजोरम इज ऑलमोस्ट 98% क्रिश्चियन बट देयर शेड्यूल ट्राइब, मेघालय इज 90% क्रिश्चियन देयर शेड्यूल ट्राइब, बोरोलैंड में भी अच्छा खासा ये ट्राइबल में क्रिश्चियन है, कार्बी में भी अच्छा खासा क्रिश्चियन है, और अरुणाचल में तो ये अगर वो लोग का इमेजिनेशन फुलफिल होने से ये जनरल कास्ट स्टेट हो जाएगा, क्योंकि 2011 सेंसस में वी क्रिश्चियन आर द लार्जेस्ट रिलीजन इन द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस में। तो इसलिए ये पीसफुल सोसाइटी चल रहा है, देयर इज ए ग्रेट पीस एंड हार्मोनी, स्पेशली व्हाट वी हैव सीन इन अबोतानी बेल्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर रिलीजन एमोंग अस। यहां में जो भी ये होता है फाइट इज एलवेज, इवन आप इलेक्शन में देखिए, यहां जो विधानसभा इलेक्शन में आप देखिए, हमने देखा है क्रिश्चियन एमएलए कैंडिडेट एक है, एक दोनी पोलो कैंडिडेट है, क्रिश्चियन लोग अपना क्रिश्चियन कैंडिडेट को छोड़ के दोनी पोलो को बूथ मारता है क्योंकि रिलेटिव लाइन से देख के आते हैं, और दोनी पोलो का बिलीवर भी अपना दोनी पोलो कैंडिडेट को छोड़ के वो क्रिश्चियन कैंडिडेट को बहुत मारता है। यहाँ रिलेशनशिप जो सोसाइटी का जो बॉन्डिंग है इतना स्ट्रांग है, ये सब स्पेशली आई रिक्वेस्ट जनजाति सुरक्षा मंच ऑफ मध्य प्रदेश, प्लीज फॉर गॉड सेक अरुणाचल को पीसफुली रहने दीजिए। यहाँ में ऐसा डिविसिव आइडिया, यहाँ में ट्राइबल यहाँ बेल्ट में इतना पीस एंड हारमोनी से को एग्जिस्टेंस हो रहा है, यहां में ऐसा यूनिक और ऐसा माने हेटफुल माने आइडियाज को यहां में प्रचार प्रसार नहीं करने से अच्छा है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट माय क्रिश्चियन कम्युनिटी इन डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली पावर प्लांट डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, डोंट अप्रेड अबाउट दिस प्रोपोगेंडा और दिस टाइप ऑफ राइटिंग लेटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कुछ होने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम लोग अपना ट्राइब, निसी है तो निसी, तागिन है तो तागिन, गालो है तो गालो, वांचो है तो वांचो, हम लोग को क्रिश्चियन बन गया बोल करके कोई ऐसा शक्ति नहीं है, कोई नहीं छीन सकता है। विद दिस आई रिक्वेस्ट माय सेक्रेटरी जनरल टू सम अप समथिंग। थैंक यू एवरीवन। मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट श्री टोको तेकी जी का समर्थन करते हुए इस माध्यम से मैं सबसे पहले अरुणाचल में
सबसे एक बड़ा अगवा फैल रहा है वो है जनजाति जो पहचान पत्र वापस लेने के लिए है। सबसे पहले कुछ डीसी लोग कई जिलों से लिख रहा है, वो प्रधानमंत्री को लिखता है, किसी का बरकाव या किसी दल किसी निजी व्यक्ति का बरकाव या दबाव में इस तरह का पत्र लिखा जा रहा है। मैं इन डीसी लोग से विनती यही होगा कि भारत का संविधान को मुद्दे नज़र रखे और भारत एक संविधान है, भारत में एक देश है और भारत में एक ही कानून चलता है। भारत में दो ही जात का लोग खासकर पहचान रखा जाता है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति। खासकर अरुणाचल में जनजाति लोग रहते हैं जैसे कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, और जहाँ लोग शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं अपना जन्म से शेड्यूल ट्राइब है वो मरते दम तक शेड्यूल ट्राइब रहेगा भारतीय संविधान के अनुसार, और उसे कोई दूसरा पहचान बनाने में कोशिश जितना किया तो भी वो मुमकिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर्स लोग जिला में रखा जाता है बहुत शिक्षित लोग को, डिप्टी कमिश्नर्स आर किप्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट हु बिकम्स ए टॉपर फ्रॉम ए सिविल सर्विस और फ्रॉम जो आईएएस केडर। उस तरह का लिखता तो अपना ऊंची पद का चरित्र को दुरुपयोग हो सकता है। इसके बाद मेरा अनुरोध है इस तरह का लिखना कम कोशिश किया जाए तो ठीक रहेगा। उसके बाद एक यहाँ देखा है जनजाति सुरक्षा मंच, मध्य प्रदेश बेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इन सब का जनजाति सुरक्षा मंच का नेता से ये अपील करना चाहता हूँ, आप सबसे पहले जनजाति सुरक्षा मंच का परिभाषा या उसका अर्थ जानें। जनजाति सुरक्षा मंच का अर्थ होता है अंग्रेजी में कहे तो शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर फोरम कह जा सकता है, हिंदी में जनजाति सुरक्षा मंच है जनजाति को सुरक्षित में रखना के लिए, हर देश का जनजातियों को एक साथ एकता से रखने के लिए उसका नियम होता है। जनजाति किसी जनजाति को दूसरा जाति में बनाना या जनजाति का आपस में दो जात बंटवारा करना इस तरह का मैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं इस जरिए इस माध्यम से मैं अरुणाचल क्रिश्चियन विश्वासी लोगों से ये विनती करता है, आप इन सब बातों में घबरा नहीं होना चाहिए, इन सब बातों में आपको कहीं दिल का अपना निरंतर विश्वास रखना कोना नहीं चाहिए। हमेशा भारत सिकुलियर देश है, सिकुलियर रहेगा। भारत लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र प्रजातंत्र देश में सब हर एक जो धर्म जो जिसका जो भी कोई धर्म अपना प्रचार कर सकता है, धर्म मान सकता है, उसका आदर किया जाता है भारतीय संविधान के खिलाफ। थैंक यू ऑल, नमस्कार। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का कोट कर दो, ये दीजिए, हम देता है मामा जी, सुप्रीम कोर्ट का बता देता हूँ ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेटिंग एसाइड द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर, द एपेक्स कोर्ट सेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड दैट मियरली बाय चेंज ऑफ रिलीजन ए पर्सन सीजेस टू बी
a member of a notified scheduled tribe, the community to which one originally belonged to. A three-judge bench comprising of Justice B.N. Khare, Justice S.V. Sinha and Justice S.S. Kapadia का ये कहना है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है. द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन लॉ, लीगल सिस्टम ना, जो भी एक ये है. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, हाँ शेड्यूल कास्ट लोग रिलीजन चेंज का साथ में वो लोग का ये एससी का ये होता है, मगर हम लोग जो ये एसटी का रिलीजन चेंज से कोई लेना देना नहीं. वंस अगेन मैं ऐड करता हूँ, अगर ये आदमी लोग जनजाति सुरक्षा मंच या इंडिजिनस पेट कल्चर लोग बोलता कि अरुणाचली क्रिश्चियन लोग दो फैसिलिटी मत लीजिए, एसटी एंड माइनॉरिटी है. पहले प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय में एमएसडीपी बोल के आप लोग भी सुना होगा, उसको हम लोग चार्ज लोग चार्ज का ये पब्लिक वेलफेयर के लेने के लिए कोशिश किया, तो इंडिजिनस लोग ने लिखा है कि आप एसटी का अगर फैसिलिटी ले रहा है तो माइनॉरिटी का फैसिलिटी लेने से डबल हो जाएगा. तो हम लोग ने नहीं लिया वो फैसिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम को, उसको अरुणाचल का एमएलए लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में गर्ल्स हॉस्टल बनाने में उसको यूज किया है. तो इसलिए माने ये लोग का जो डिमांड है, जो हवा फैला रहा है, ऐसा नहीं करके लेट अस लिव इन पीस एंड लव, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस में अरुणाचल में हम लोग अरुणाचल समाज को, इवन आप लोग मीडिया लोग भी कोशिश करना है, जहाँ जहाँ में ऐसा माने फेनेटिक एलिमेंट या एक रॉन्ग एलिमेंट ये सब सोसाइटी में एक सोइंग द सीड ऑफ डिविसिवनेस, इट इज एवरी अरुणाचलिस ड्यूटी टू फाइट इट बैक एंड प्रोटेक्ट आवर पीसफुल अरुणाचल, द आइलैंड ऑफ पीस इन डेज टू कम, इन ईयर्स टू कम. वी शुड लिव ए गुड प्लेस फॉर आवर कमिंग जनरेशन ना. ऐसा हम लोग नहीं होना है कि दोनी पोलो और क्रिश्चियन का आपस में फाइट करें, रंगफरा और तिरप में चांगलांग में रंगफरा और क्रिश्चियन का आपस में फाइट करें. अपना अपना रिलीजन को प्रोटेक्ट करना आपका ड्यूटी है. क्रिश्चियन में क्रिश्चियन को एट्रैक्टिव बनाना, क्रिश्चियन को लविंग बनाना, ये क्रिश्चियन विश्वास लोगों का, बिलीवर्स लोगों का ड्यूटी है. दोनी पोलो को एट्रैक्टिव बनाना, दोनी पोलो को एक्सेप्टेबल बनाना, ये दोनी पोलो का ड्यूटी है. हम तो इसलिए बोलता है कि सोशल मीडिया में भी रात भर एक दूसरे को बेनम पे के क्या लाभ है. कोई लोग तो अपना बस्ती कभी जाता नहीं है, अपना दिस्त्री कभी जाता नहीं है, रिलीजन को फेसबुक में ख़त्म कर देता है, फेसबुक में ही लाते रहो. हम लोग को तो इतना तक क्रिश्चियन को बोलता है कि इजराइल वापस जाओ, अमेरिका वापस जाओ. हम लोग इसराइल से नहीं आया ना, अमेरिका से नहीं आया. रिलीजियस में बिब्लिकली में सोमवेयर वी में भी कनेक्टेड, बट वी आर अरुणाचल. पूरा अरुणाचली क्रिश्चियन चोर के बाहर चला जाएगा तो अरुणाचल तो खाली हो जाएगा ना. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लेट अस नॉट अटैक ईच अदर, लेट अस लर्न टू लिव इन पीस एमोंग अवर सेल्फ, लेट अस रेस्पेक्ट ईच अदर. कोई क्वेश्चन होने से पूछिए, नहीं होने से इतना ही है. ये सुरक्षा जनजाति सुरक्षा मंच बोल के एक एसोसिएशन जो है, प्राइम मिनिस्टर को लोहित डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने लेटर लिखा है. ये सुन जनजाति सुरक्षा मंच इवन त्वांग इशू में भी शायद ये लोग लिखा था. और ये जनजाति सुरक्षा मंच हमारा कुरुंग कमे डिस्ट्रिक्ट कोलोरेंग का यूनिट ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है. वो एसटी सर्टिफिकेट को क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो गया उसको छोड़ देने के लिए वापस लेने, इंडियन में पार्लियामेंट में ऐसा कानून बना बोल के प्राइम मिनिस्टर को ये बोल रहे हैं. एक आदमी जो दो धर्म नहीं ले सकता, या तो आप ये एसटी रहो या तो आप माइनॉरिटी में रहो, तो इसके वजह से भी बोला होगा. नहीं नहीं, ये उसके वजह में वो कैसा बोल सकेगा. हम लोग को
सपोज ये लोग ने स्पेशली टारगेट मुस्लिम और क्रिश्चियन को कर रहा है, यहाँ मुस्लिम तो लोकल आदमी मुस्लिम है कि नहीं हम लोग को पता नहीं है, क्रिश्चियन में नॉर्थ ईस्ट में ना, ये अरुणाचल एक्चुअली बोल के भी नहीं बोल रहा है, ये इंडिया का बोल रहा है, ये लोग का जो टारगेट है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट में हिल स्टेट तो तुतेली शेड्यूल ट्राइब है और क्रिश्चियन है। अब नागालैंड को अभी मनमोहन सिंह जी बोल सकेगा यू आर ए जनरल क्लास और लोकसभा में पास करेगा चलेगा? मिजोरम को जनरल कास्ट हो गया बोल करके क्रिश्चियन हो गया बोलने से चलेगा? असम बोरोलैंड में इतना परसेंटेज क्रिश्चियन है, ऑल ऑफ सडन बोलेगा कि आप बोरो लोग जो जो क्रिश्चियन हो गया लाखों जनसंख्या में आप लोग ब्राह्मीण कास्ट में चला गया, जनरल कास्ट में चला गया, वो एससी में भी नहीं आएगा ना, वो कहीं में भी नहीं आएगा, दे विल बिकम ए जनरल कास्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने से इंडियन का इंडिया में तो लोकसभा इज दियर ना, दे विल डिसाइड हु आर द जनजाति सुरक्षा मंच टू टेल इंडियन गवर्नमेंट टू डू लाइक दैट। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल लीडर विल डू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडियन पीपल, इंडियन का अच्छा के लिए, पीस एंड माने यहाँ इंडिया का इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए वो काम करेगा ना। ये कुछ नहीं है, ये सब नफरत फैलाने का और डिवीजन क्रिएट करने का एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का ऊपर में एक हेट्रेड फैला रहा है, पियर साइकोसिस फैला रहा है, ये मत करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट है हम लोग का साइड से। ऐसा करके किसी ने कुछ नहीं मिला। हो गया ना, ओके। जो मेरा नाम, इसका नाम